नमस्कार बालक, तो स्वागत आप सभी का इस वीडियो में। और आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं ग्रैप कमांड के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली ग्रैप कमांड होता क्या है? तो ग्रैप कमांड बेसिकली आपको कोई भी चीज़ सर्च करने में काम आता है। सिंपल से समझिए, सर्च करने में। और भी यूजेज है इसका, लेकिन नॉर्मल जो है वो है कि सर्च करने में काम आता है। जैसे कि अभी हम डेस्कटॉप पे हैं, तो डेस्कटॉप पे हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो फाइल क्रिएट करने के लिए नैनो ए डॉट टी एक्स टी फाइल क्रिएट किए, उसके बाद उसमें हम ऐड किए गूगल बिंग डक डक गो, उसके बाद और कौन कौन सा सर्च है, यैंडेक्स। तो ये सब हम टाइप किए, रमेश सुरेश, तो ये सब हम टाइप किए। उसके बाद हम CTRL+O से राउट आउट कर दिया, एंटर मार दिया, सेव हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट देख सकते हैं, उसके CTRL+X से एग्जिट हो गया है। तो हम बेसिकली हम उस सर्च करना चाहते हैं कि इस फाइल में क्या है। तो हम सिंपल सा टाइप करेंगे ग्रेप रमेश, रमेश ग्रेप रमेश हमको सर्च करना है, और स्पेस देके फाइल का नाम। तो फाइल का नाम है a.txt। तो देख सकते हैं रमेश रमेश सुरेश जो है सो प्रिंट किया, एक लाइन में रमेश सुरेश है, तो रमेश सुरेश प्रिंट किया, ठीक है। वैसे ही ग्रेप गूगल फ्रॉम a.txt, तो देखिए गूगल टाइप किया। अभी हम इसको इस जो है इसमें इस गूगल को हम बार बार इसको कॉपी कर ले, मान लीजिए सपोज कीजिए इसको हम कॉपी कर ले और बेसिकली यहाँ पे पेस्ट कर दें, एंटर सीटीआर प्लीज, उसके बाद इसको सेव कर लें। तो उसके बाद अगर हम इसको एग्जिट करते हैं, उसके बाद फिर से वही कमांड रन करते हैं, ग्रेप गूगल a.txt। तो देखिए कितना बार देगा, देखिए जितना बार हम टाइप किए उतना बार देगा। तो ग्रेप कमांड बेसिकली सर्च करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पीस आउट।